सुबह का न्यूज़पेपर किसे नहीं पसंद, पर ये पेपर इतने जल्दी आता कैसे है? तो ये जानने के लिए आज मैं बनने वाला हूँ एक न्यूज़पेपर हॉकर। और इस 7 दिन 7 डिफरेंट जॉब के 4th अध्याय में आपका स्वागत। अपने मोहल्ले की न्यूज़पेपर अंकल के साथ बात करके सुबह के 4 बजे मैं आगे पहुँच चुका हूँ पेपर मार्केट। आते में देखता हूँ मेरे आने से पहले 50 से 60 हॉकर इधर पहले से ही मौजूद होते हैं। पेपर अनलोडिंग होता है तो कोई अपने पेपर को रिसाइज कर रहा होता है। बिना शोर शराबे के सब अपने काम पे लगे हुए होते हैं। और ऐसे ही इधर उधर भटकते भटकते हमें मिल गया हॉकर ग्रुप के यूनियन लीडर, और हमने उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया। कौन-कौन प्रकार के पेपर हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम, ओडिशा पोस्ट, बिजनेस स्टैंडर्ड, ओडिया राशिबो, संपादक, समाज, प्रमेय, धरित्री, सकाळ। रात के 3 बजे से उठना और काम पे निकलना, क्या ये आसान होता है? सब दिन 3:30 बजे में उठवा। सोई बात तो सेम होता है कि छथा है, दिन सारा परिश्रम करू और 4:05-10 तक पहुंच। पर पगेसरा पैसा कलेक्शन अछि पुनी। कलेक्शन पर जे नाम सोला। ये सब सुनने के बाद इतना तो मुझे समझ आ ही चुका है कि आज का दिन मेरे लिए चैलेंजेस से भरा हुआ है। और जयदेव बिहार में ऑलमोस्ट 1400-1500 न्यूज़पेपर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे अगर देखो तो चारों के चारों तरफ सभी के सभी अलग अलग जगह को डिस्ट्रीब्यूट होता है न्यूज़पेपर। अभी वजह है सुबह के 4, और इससे पता चल रहा है कि सबसे तेज, सबसे सुबह, सबसे पहले जो जॉब स्टार्ट होता है वो होता है न्यूज़पेपर हॉकर का। मैं इतने सारे जॉब करा, पर इनमें मुझे सबसे ज्यादा प्यारा जॉब ये लग रहा है, क्योंकि मैं जितने भी न्यूज़पेपर गाय से मिला, सभी से भी बहुत अच्छे थे, पोलाइट थे, एंड सब ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये हम जो वीडियो कर रहे हैं उसको लेकर। हम अभी यहाँ पे पूरा का पूरा भुवनेश्वर का टोटल पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50-100 हॉकर होंगे, एंड अगर बोला जाए हम जिस साइड को पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो अंकल अभी तक नहीं आए। और अगर मैं आपको बोलूँ तो अंकल यहाँ के सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पर्सन है। और कुछ थोड़ी देर बाद अंकल आके वहाँ पे पहुँच चुके थे। देखो, न्यूज़पेपर हॉकर होने के कुछ फायदे हैं। सुबह के 4 बजे से आपको पेपर पढ़ने मिल जाएगा। अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, पर मेरे को पहले पेपर मिला। थैंक यू। किसी ने ताजा खबर देखा है? मेरे पास वक्त से पहले न्यूज आ जाता है, 3-4 घंटे पहले से। अभी का न्यूज है, BJD loses its stars as Anubhav। I don't know why। तो अभी अपन थोड़े बहुत पेपर ला चुके हैं, बट अपने को टोटल 350 से 400 पेपर आज डिस्ट्रीब्यूट करने, तो अपन चलते हैं और थोड़े बहुत पेपर लेके आ जाते हैं। संडे को सभी को पता होगा एक्स्ट्रा पेपर आते हैं, मतलब पेपर के अंदर एक और छोटा पेपर। तो ये सारे अपने छोटे छोटे पेपर, बंगाली पेपर भी अपने इधर आते हैं, मेरे को पता नहीं था। कुछ लोग हैं शायद बंगाली पढ़ रहे हैं। अंकल की तबीयत की वजह से आज अपना शुरुआत थोड़ा सा स्लो हुआ है, तो हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करके पटाख से काम पे लग गए। अभी अपन कर रहे हैं पेपर सेटिंग। बड़े वाले पेपर के अंदर छोटा वाला पेपर घुस रहा है, जिसमें अंकल बहुत ज्यादा प्रो है, फटाफट गुजार है, मेरा बहुत ज्यादा स्लो। इस बीच मैंने अंकल को एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको ये जॉब करते कितने साल हो चुके हैं? 30। और अगर उम्र पे ध्यान दो, जितना मुझे लग रहा था उनका उम्र 75 साल से तो ज्यादा ही होगा। और भले ही उनका तबीयत खराब था, पर एक बार आने के बाद वो अपने काम पे कम्प्लीटली फोकस्ड थे। मेरा पेपर सेटिंग का स्पीड इतना फास्ट है कि मेरे एक के अंदर अंकल का 4 पेपर सेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अपने पास जितने पेपर थे सारे सेट हो चुके थे, और अपना अगला काम है पेपर डिलीवरी। इस वाले बैग के अंदर 8 तरीके के पेपर है, पर मुझे सारे के सारे एक जैसे लग रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ सारे के सारे पेपर हैं और इनमें 8 तरीके के पेपर हैं। इकोनॉमिक्स, टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, समाज, संवाद, तमिल। नहीं नहीं, वो तो तेलुगु का पड़े, इनाडु। अच्छा, इनाडु। आनंद बाजार, टेलीग्राफ, द टेलीग्राफ, ये प्रगतिवादी। ये ऊपर से देखने से पता चल जाता है तुमको ये यही पेपर है। अभी हम जितने सारे पेपर को सर्ट करें उन सबको अपने बैग पे और अपने गाड़ी पे लोड करने, फिर इस गाड़ी से जाके घर घर पेपर डिलीवरी करना। गाड़ी चलाते चलाते कहीं झपकी ना आ जाए, इसलिए प्रिकॉशन के लिए हमने लगा लिया एक कड़क मसाला चाय। जी बुझा चुका है। जैसे तैसे करके चाय को खत्म करने के बाद फाइनली अपन अभी रेडी हो चुके थे पेपर डिलीवरी के लिए। देखो सिटी अमर, हाय कर दे। वैसे आज तक जितने भी मैं शूट कर रहा हूँ उसमें लोग कैमरा शाय रहते हैं, पर मुझे लगा ही नहीं कि अंकल किसी तरफ से भी 1% कैमरा शाय। और मुझे तो ऐसा भी फील हुआ कि अंकल कैमरा में थोड़े ज्यादा एक्सप्रेसिव है। अभी अपन जो जा रहे हैं बिना हेलमेट के ट्रैफिक नहीं पकड़ेगा। मेरा पहला पेपर अभी तक दिया नहीं गया, अभी दो मेरे को, मैं देता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे लगा दूँ ऐसे? ओके चलो। ये मेरा पहला पेपर था आज, बहुत बढ़िया।
ये वाला पेपर ऊपर जाएगा। अच्छा रबर बांध दिया गया और ये लो। क्या बात है, छत के ऊपर ऊपर भी बहुत सारी जगह है। नहीं, न्यूज़पेपर हॉकर होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मतलब तुम किसी को सिखा रहे हो तो पूरा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे जाबर से ऊपर फेंकना है, घर के अंदर डालना है, नीचे से ये लो ऊपर ये उड़ी छत के ऊपर से। कहाँ पे? वो बालकनी। हाँ हाँ वहाँ पे ये लो। अभी जानने वाला था। अभी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। ये तो भाई लेवल इजी, मीडियम और डिफिकल्टी पे जा रहा है। अभी अंकल अंकल करेंगे। हाँ नहीं नहीं तुम करो ये लेवल थोड़ा। अंकल प्रो प्लेयर है भाई। मुझे पता है लोगों को बैल्कोनी में पेपर बैठ के पढ़ने का मन करता है, पर इसके लिए ये मतलब नहीं कि आपको पेपर बैल्कोनी में ही डिलीवर करा जाए। पर हम कर रहे हैं, वी आर हॉकर्स। कुछ घरों पे पेपर देने के बाद अंकल ने मुझे ये कहा कि इतने धीरे धीरे दोगे तो देते देते दोपहर हो जाएंगे। और फिर मैंने दिखाया अंकल को मेरे हाथों का काला जादू। अलग जॉब में क्या होता था, मैं जाके पब्लिक से बात करता था, लोगों से बात करता था, इंटरेक्शन करता था, बट यहाँ पे लोग अभी घर पे सोए होंगे। मेरा शॉट जा रहा है डायरेक्टली जाके बेडरूम में घुसे। और ऐसे ही देखते देखते थोड़ी देर में आधे से ज्यादा पेपर पड़ गए। ओके, अभी अपन बहुत सारे पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और अभी अपने को ना थोड़ा बहुत भूख लग रहा है, सोच रहे हैं कहीं खाने को जाएं। जस्ट किडिंग गाइस, हमने एक दुकान खरीद लिया, वो देखो वहाँ पे आ रहा है। फाइनली गाइस अपना दुकान आ चुका है, खाना वाना खाते हैं और मजे करते हैं। टेक्निकल गुरु जी सॉरी फॉर दिस। साले तू, हर बार जो भी वीडियो होता था हम उसमें खाना खा के आते थे, बट आज थोड़ा ज्यादा सुबह उठ गए, मम्मी भी नहीं उठी थी, तो खाना खाना थोड़ा इधर उधर हो गया। अभी खा लेते हैं। मेरे को अंकल एक चीज बताओ, उनको इतने सारे घर छत के ऊपर नीचे आगे पीछे सब याद रहता है? ओके, ये वाले भैया अभी तक सोए होंगे, मुझे पता नहीं अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचता तो नीचे कमेंट करना। बस यही है अपना काम। ना ना लगा आपकी तो। इस बीच अंकल का और मेरा एक यूनिक टाइप का बॉन्डिंग शुरू हो चुका था। अंकल अपना आज पूरा सेटिंग कर दिया, अगर कभी अंकल नहीं आ पाए तो हम आके डाल देंगे। एक देखो मेरे को ना लोकेशन पता नहीं कहाँ पे डालना है, एक दो दिन करूँगा फिर प्रो हो जाऊंगा। कल फिर भी कितने घर होंगे? 300 से ज्यादा। और अब ये सुनने के बाद मुझे लगा अभी अपने गाड़ी का गियर चेंज करना पड़ेगा। ओए अंकल, मैं बोल रहा हूँ तुम जैवलिन थ्रो में जाओ, ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने वाला है भाई। यहाँ पे नॉर्मल बिल्डिंग्स थे, अभी अपने को उसके अंदर डालना है। अब अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपके मेहनत को देखने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जब तक हम जागते हैं तब तक वो जा चुके होते हैं। और ऐसा नहीं कि आज के दिन मेरे से गलतियां नहीं हुई। ओए ओए ओए। पर उसके बदले अंकल की तरफ से मुझे जो अप्रिशिएशन मिला वो शायद कभी उन्हें ना मिला। ना ना, सब दिन का पेपर दिया और जो देरी हुआ है सब दिन का आया पेपर से हम दिया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यही तो है जिंदगी, अपने गलतियों से सीखना और आगे बढ़ जाना। और आज के दिन अंकल ने ये साबित कर ही दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर।